प्रेजेंट डे बॉलीवुड में किसिंग सीन्स तो बहुत कॉमन हो गए हैं। गॉन आर द डेज जब हर छोटे इंटीमेट या किसिंग सीन पे सेंसर बोर्ड का बवाल होता था। बट डू यू नो इंडियन मूवीज का फर्स्ट किसिंग सीन कब फिल्म किया गया था? वाइल मैनी ऑफ अस मे से दैट द फिल्मिंग ऑफ इंटीमेट सीन्स जनरली स्टार्टेड इन द लेट 80s और 90s, फिजिकल इंटीमेसी इन आर मूवीज गोज वे बैक। कर्मा नाम की एक टॉकी में इंडियन मूवीज के सबसे पहले किसिंग सीन में से एक फिल्म किया गया था। एनी गेसेस ये फिल्म किस टाइम की है? 1933। दैट्स राइट, इंडिया का सबसे पहला ऑन स्क्रीन किसिंग सीन फिल्म किया गया था 1933 में रिलीज हुई इस क्लासिक टॉकी फिल्म के लिए। नॉट ओनली दैट, फिल्म की एक्ट्रेस देविका रानी और एक्टर हिमांशु राय पे फिल्म किया गया ये किसिंग सीन इंडियन मूवी हिस्ट्री के सबसे लंबे किसिंग सीन्स में से एक है, जो लास्ट करता है फॉर ऑलमोस्ट 4 मिनट्स। यप, 4 मिनट का लंबा किसिंग सीन 1933 में रिलीज ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में, यानी कि वो इनफेमस फ्लावर्स को किस कराने वाले ट्रेंड से पहले इंडियन फिल्म मेकर्स ऑलरेडी फिजिकल इंटीमेसी को ओपनली शो कर चुके थे इंडियन सिनेमा में। जेएल फ्रियर हंट द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म इंडिया, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक जॉइंट प्रोडक्शन थी, जो एक इंडियन प्रिंस और प्रिंसेस की लव स्टोरी के बारे में थी। देविका रानी और हिमांशु राय रियल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ थे, जिसकी वजह से उस टाइम पे ऐसी इंटीमेसी शूट करना आसान हो गया था। But still, considering how orthodox the times were then, it was still very challenging. It must have been. After all, we are talking about, may we say again, 1933. So next time, जब आप में से किसी के parents बोले कि हमारे time की फिल्में तो ऐसी नहीं हुआ करती थी, just show them this video. Till then, for more such content, don't forget to subscribe to Sanpasta.